प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। इसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गौतम बुद्ध नगर के छपरौली गांव से करेंगे। ये आपको बता दें कि बीजेपी हर साल प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाती है। ये सेवा सप्ताह 14 से 20 सितम्बर तक मनाया जाएगा। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता रक्तदान शिविर वृद्धजनों के बीच फल वितरण के साथ अन्य सेवा के काम करते नजर आएंगे। सेवा सप्ताह के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की थीम भी 70 रखी गई है। पार्टी की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक सेवा सप्ताह के दौरान देश के हर मंडल में 70 दिव्यांग लोगों को उनकी जरूरत के सामान दिए जाएंगे और इसके अलावा 70 नेत्रहीन लोगों को चश्मे भी दिए जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी नेता कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 70 अस्पतालों और गरीब कॉलोनियों में फल वितरित करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर वेबिनार के माध्यम से 70 बड़ी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन होगा। आज से बीजेपी का सेवा सप्ताह शुरू होगा। हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। जेपी नड्डा आज सेवा सप्ताह की शुरुआत करेंगे। 70 थीम रखी गई है। पूरे सेवा सप्ताह की सर्कुलर एक जारी किया गया, उसके अंदर बहुत सारी कार्यों का बखान किया गया है कि सेवा सप्ताह किस रूप से आखिर मनाया जाएगा। 70 हॉस्पिटल्स और साथ ही जो गरीब कॉलोनियां हैं वहां पर फल वितरित किए जाएंगे। 70 दिव्यांगों को उनकी जरूरत के जो सामान है वो वितरित किए जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर के छपरौली से सेवा सप्ताह की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस और साथ ही सेवा सप्ताह के रूप में ये पूरा सप्ताह रहने वाला है और इसके अंदर बहुत सारे कार्य होंगे। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर 70 वेबिनार यानी बड़ी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आज से इसकी शुरुआत होने वाली है। 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह चलेगा। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओला फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में बीजेपी मनाएगी, किस प्रकार से पूरा सप्ताह रहने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल मनीषा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वें जन्मदिन पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी की ओर से देश भर में यह सेवा सप्ताह आयोजित होगा, जिसमें 14 से 20 सितंबर तक के विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिसमें रक्तदान शिविर सहित जो सामाजिक जागरूकता सहित कई सामाजिक कार्य आयोजित किए जाएंगे। इसी को लेकर बात करें, बीजेपी से पूरा यह सेवा सप्ताह है वो आयोजित किया जाएगा। लगातार बात करें तो पिछले साल भी जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन था उस दौरान भी सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया, और इसी उपलक्ष्य में इस बार भी 14 से 20 सितंबर तक यह सेवा सप्ताह है वो आयोजित किया जा रहा है। इसमें बीजेपी की ओर से 2 दिन रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसके बाद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, साथ साथ जनसंवाद किया जाएगा और कई विभिन्न मुद्दों पर और कई सामाजिक कार्य है वो आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान बात करें तो राजस्थान में प्रदेश भाजपा की ओर से कई जगह रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे, साथ साथ भाजपा मुख्यालय में कई तरह के कार्यक्रम है वो भी आयोजित किए जाएंगे। लगातार पिछले साल की तरह इस बार भी सेवा सप्ताह आयोजित किया जाएगा और उसी के तहत इस बार भी भाजपा की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सेवा सप्ताह के तहत सामाजिक कार्य सहित रक्तदान शिविर और कई जो जन जागरूकता के कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सफाई व्यवस्था, पिछले बार भी बात करें तो सेवा सप्ताह के दिन के बीच में कई जगह सफाई अभियान चलाया गया था, उसी तरह इस बार भी भाजपा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल लोकेश, पूरा देखिए सेवा सप्ताह का जो सर्कुलर है वो जारी किया गया है। कई सारे काम हैं जो इस सप्ताह में किए जाएंगे और वो बिल्कुल सराहनीय है। 70 थीम रखी गई है और 70 बड़ी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी होंगी, और क्या अधिक जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, बात करें तो भाजपा की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बात करें तो देश भर में भाजपा की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 14 सितंबर से यहाँ आज से कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। इसी दिन बात करें तो 2 दिन तक रक्तदान शिविर आयोजित होगा, जिसके बाद में जो सेवा सप्ताह के तहत 1 दिन सफाई का अभियान चलाया जाएगा और इसी के साथ साथ भाजपा की ओर से सामाजिक जागरूकता और आम जन की सेवा के तहत जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। जी
बिल्कुल लोकेश, कहीं ना कहीं कह सकते हैं देश के लिए एक त्योहार की तरह, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, दिव्यांग जो हैं, उन तक भी जरूरत का सामान पहुंचेगा, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही खास बात, तो कहीं ना कहीं पूरा जो उत्सव की तरह इसको मनाया जाने वाला है। जी बिल्कुल, बात करें तो भाजपा की ओर से यह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, और उसी के तहत देश भर में यह सेवा सप्ताह है वो आयोजित किया जा रहा है। देश भर के जो भाजपा कार्यकर्ता सहित जो देशवासी है वो प्रधानमंत्री के जन्मदिन को एक उत्सव की तरह मनाएंगे, और इस बीच 14 से 20 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे जिनमें बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और अपने अपने जो सेवाएं हैं वो प्रदान करेंगे। और इसी के तहत 14 से 20 सितंबर तक जो कार्यक्रम होंगे उसमें भाग लेते हुए अपनी अपनी जो हिस्सेदारी है वो उसमें बताएंगे, जिसमें बात करें तो रक्तदान शिविर, जिसमें आम जन जो लोग है रक्त की कमी से अपनी जान ने गंवाए उसको देखते हुए सेवा सप्ताह के तहत रक्तदान शिविर में भाग लेंगे। साथ साथ सेवा सप्ताह के तहत ही जो अपनी जो सामाजिक सेवाएं हैं वो प्रदान करेंगे। जी लोकेश, देखिए देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया जाएगा, साथ ही अगर रक्तदान शिविर का भी आयोजन होगा, बात अगर हम प्रदेश भाजपा की करें तो किस तरह से यहाँ पर उल्लास का माहौल है, क्योंकि पूरा जो सप्ताह है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को डेडिकेटेड होने वाला है, और साथ ही जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा सप्ताह ये माना जा रहा है, इसी के चलते। देखिए बिल्कुल, भाजपा की ओर से बात करें तो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17वां जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य 14 से 20 सितंबर तक जो सेवा सप्ताह है वो आयोजित किया जाएगा, और इसी के तहत प्रदेश भाजपा की ओर से भी कई कार्यक्रम है वो किए जाएंगे, जिसमें रक्तदान शिविर है ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ पदाधिकारी है वो उसमें भाग लेंगे। इसी के साथ साथ कई जगह अस्पतालों में और जो कच्ची बस्तियों में फल वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ साथ बात करें तो कोरोना का समय चल रहा है, तो ऐसे में कोरोना से रिकवर हो चुके और जो भाजपा कार्यकर्ता साथ साथ प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है इस उपलक्ष्य में कई जगह जो प्लाज्मा डोनेट कैंप है वो भी आयोजित किए जाएंगे। साथ साथ बात करें तो सफाई अभियान है वो भी चलाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सत्ता में आते ही सफाई अभियान को लेकर एक स्वच्छता अभियान है वो चलाया था, उसी के तहत एक दिन सफाई अभियान के लिए भी लगाया जाएगा। और साथ साथ कई जो वेबिनार और सेमिनार है वो भी आयोजित किए जाएंगे, तो जिसमें सामाजिक जागरूकता से जो प्रधानमंत्री के जो नवाचार है और उनके जो कदमों के चलते हुए उनकी जो जीवन शैली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल लोकेश, ये तो बात हुई पूरे सप्ताह की, और बात अगर आज की करें तो आज प्रदेश भाजपा में किस तरीके का माहौल है, क्या तैयारियां? देखिए बात करें तो भाजपा कार्यालय में आज और प्रदेश भाजपा की ओर से आज यह सप्ताह है वो उसका पहला दिन है। इस दौरान कई तरह के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे, जिसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल होंगे। भाजपा कार्यालय से कार्यक्रम का शुरुआत होगा और फिर उसके बाद में ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित, जिसमें आज रक्तदान शिविर है वो भी आयोजित किए जाएंगे। साथ साथ कई अन्य कार्यक्रम है वो भी आज आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रदेश भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष है वो भी वीसी के जरिए और वो भी वहां पर शामिल होंगे। हालांकि कोरोना के चलते, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उसके चलते वो होम क्वारंटाइन है, ऐसे में अभी तक उनका इस तरह क्लियर नहीं हो पाया कि वो शामिल होंगे या नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि वीसी के जरिए वो शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल लोकेश, देखिए प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भी उल्लास है, और साथ ही अगर भाजपा कार्यकर्ताओं की बात करें तो किस तरीके से उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं पूरे सप्ताह को लेकर? देखिए बात करें तो भाजपा प्रदेश भाजपा की ओर से विभिन्न पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और साथ ही साथ जो सेवा सप्ताह के तहत जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे उनको लेकर अलग अलग पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। वो सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए उनको कहा गया है, ताकि सेवा सप्ताह को एक अच्छे से मनाए और एक उत्साह के साथ, एक जश्न के साथ पूरे सेवा सप्ताह को 14 से 20 सितंबर तक का जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं, और पूरे देश भर में सेवा सप्ताह है और प्रदेश भर में प्रदेश भाजपा की ओर से भी है विभिन्न पदाधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ ही काम सौंपा गया है। जी
बिल्कुल लोकेश, देखिए कोरोना का दौर भी है और सतर्कता भी काफी अहम होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयासरत हैं देश को आगे ले जाने में, और साथ ही कोरोना संक्रमण का खतरा देश में कम हो सके उसके लिए भी लगातार प्रयासरत हैं। पूरे सप्ताह के दौरान क्या क्या जो कह सकते हैं गाइडलाइंस होंगे और उनका पालन करना भी काफी अहम होगा। संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे और तमाम जानकारियां उन्होंने हमारे साथ साझा की हैं। आपको बता दें पूरा जो सप्ताह है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को डेडिकेटेड होने वाला है। पूरे सप्ताह में कई तरह के आयोजन होंगे।